इंसान में गांव में ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिलता रहता है पढ़ने का, इसलिए रिजल्ट भी गांव से हो रहे हैं। आपको ये बात बताऊं, जानते हो क्या हो रहा है? पटना लड़का पढ़ रहा है ना तो उसको से ज्यादा टेंशन, जानते हो क्या है कि वो तो मोटहन जा रहा है और ऊपर से हाई बगल वाला बोले क्या है, हमारे से क्लास में 2-4 नंबर आगे पीछे था, कहीं अच्छे से तैयारी कर रहा है, कहीं इसका मत हो जाए, कहीं इसका वाला पेपर कहीं हार्ड मत आ जाए, मेरा वाला स्लो मत आ जाए, उसका स्लो मत आ जाए, मेरा हार्ड ना आ जाए, ये सब पटना में ढेर होता है। पढ़ाई कम होता है, बकलोल ही ढेर होता है। सेठ बरियार का तू मजबूत होगी नहीं, ये बोलो ना, ये बताओ तुम मजबूत होगी नहीं, तुम अपने कर रहे हो, तुम तो खाली आयोग कर रहे हो। ज्यादा नहीं, 3-4 महीने अगर आप बढ़िया से ग्रामर पे अगर प्रैक्टिस कर दें तो हो जाता है। वोकैब के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए, वोकैब वो भी थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे 1 घंटा होगा तो आराम से हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्कोर उसी में होता है, इंग्लिश में और मैथ में। बच्चे हैं, हर बच्चों में अलग अलग क्वालिटी होती है पढ़ने, सभी बच्चे तो पढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन कुछ हार्मोनिक होता है, कुछ नेचुरली होता है, कुछ सोशल होता है, थोड़ा सा सबका अलग अलग। स्कूल नहीं जाएंगे तो उनको मन नहीं, ठीक है, पढ़ाई बात। कुछ बच्चे हैं ना, उनका जो फ्रेंडशिप सर्किल होता है उसकी वजह से, उनकी वजह से स्कूल जाते हैं, ठीक है। 50% से ज्यादा लोग यहाँ पे पढ़ाई कम दोस्ती ज्यादा निभाने आते हैं, या था सच्चाई थोड़ा सच्चाई है उसको। ना तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे बगल में कोई जाएगा, बस में रहो ना जी, नहीं क्लास छोड़ के कोई और काम करोगे तो तुम्हारे साथ कोई जाएगा। कभी कोई किसी का साथ नहीं देता है, समझ गए ना। जिस चीज के लिए अभी बेचैन हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई इम्पोर्टेंस अभी लाइफ में नहीं है। हमको मार्केट में जाना, अकेले जाके सामान नहीं खरीदेंगे, क्या जरूरत है 5-2 समस्या को लेके जाएंगे, कोई जरूरत है जी है? कंपटीशन आजकल ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने विचार मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, आपको लग नहीं रहा है? सोच बदल लो। वही हम बता रहे थे कि अभी जैसे राज की बात कर रहे हैं, राज को इतना बिल्डिंग से प्रेम है ना, कुछ सोचने का और कुछ नया करने का। बड़ी खुशी हुई आप लोग देखकर, पूरी तरह से उत्साहित है, इसका जीता जागता उदाहरण ये पेंटिंग है, बहुत अच्छी लग रही है, ये सब यादगार चीजें, यादगार बनाना है, यहाँ पे खड़े होके आप अपना सेल्फी ले, ये चीजें यादगार बनेगी ना। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ कलाकार लोग हर सेशन में रहे हैं और इस सेशन में भी हम लोग कुछ कलाकार लोग मिले, बढ़ के एक कलाकार लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कला का तो एक बहुत बड़ा आयाम है। आप लोग कला को बोले छोटा समझ रहे होंगे क्योंकि आप देखे नहीं है और अभी थोड़ा बहुत हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कला का भी बहुत बड़ा व्यापक बैकग्राउंड है। इस क्षेत्र में नोवेल भी मिलता है, इस क्षेत्र में यही जो छोटी छोटी चीजें है ना आपके जीवन में रंग भरती है, जुड़ा हुआ वैसे तो सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा कर्मकांड से भी जुड़ा हुआ लोग है।